नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत मुख्य होने जा रहा है। इसमें सारी चीजें कुछ चीजें बदली हैं। हालांकि मैं वितरण डेट बताने जा रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत कुछ बदल गया है और बहुत सी चीजें इस वितरण में नई होने वाली हैं। तो मैं सारी चीजों को एक एक करके आपको मैं स्क्रीन पर ही अभी दिखाऊंगा अपने फोन से, तो आप इसको समझते जाइएगा, जिससे कि आपको वितरण में किसी प्रकार की न तो कोई दिक्कत हो और न ही कोई समस्या वितरण में आपके सामने आए। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे कि कोई राशन कार्ड धारक आते हैं तो उनसे आपका विवाद भी ना हो। तो ये सारा आप उनको वीडियो दिखा सकते हो। अपने गांव के ग्रुप में भी ये वीडियो आप जरूर सेंड कर देना, जैसे सभी लोग तारीख को भी जान जाए। आप जैसे मुनादी कराते होगे, या फिर मजे लोग नॉर्मली गांव का ग्रुप बना रखा है, कोटेदारों ने वो अपने ग्रुप में डाल दिया कि वितरण प्रारंभ है, तो लोग आ जाते हैं तुरंत देख के। तो अगर ऐसा ग्रुप है कोई, तो उसमें अपना ये वीडियो हमारा जरूर डाल दीजिएगा, तो वो सारे लोग इसको समझ लेंगे और हर सारी जानकारी इसकी कर लेंगे वो लोग। तो हम चलते हैं अब स्क्रीन पर और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आदेश है और कैसे कैसे सब कुछ होना है। उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों में से जिन भी सज्जन ने, जिन भी हमारे साथी ने, हमारे फॉलोअर्स ने, हमारे व्यूअर्स ने, जिनने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उस लिंक पर आ जाइए। हम सारी बातों का वहां पर डिस्कशन कर लेते हैं और कोई भी आपको जरूरत होती है ऐप की या किसी लिंक की, तो हम उस पर भेज देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए साथियों, ये आपके सामने स्क्रीन चालू हो गई है हमारे फोन की। अब इसमें ये प्रेषक हैं आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहरलाल जवाहर भवन लखनऊ से, सेवा में समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिला पूर्ति अधिकारी। नीचे उन्होंने विषय दिया हुआ है कि प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जनवरी 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न चयनित जनपदों में बाजरा का निःशुल्क वितरण माह जनवरी 2024 में दिनांक 10 से 25 जनवरी के मध्य कराए जाने के संबंध में। तो ये तो क्लियर हो गया, ये नॉर्मल सी बात है। 10 जनवरी से प्रारंभ होगा और 25 जनवरी तक ये चलेगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीजें हैं जो अभी आप नहीं जानते हो। लोग नॉर्मली ऊपर पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं इसमें नीचे कि आखिर और क्या आवश्यक चीजें हैं जो इसमें दी गई हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, मुख्य चीज से इसमें हम आते हैं कि इसमें बाजरा 16 जनपद इसमें दिए गए हैं। इन्होंने बताया है कि 16 जनपदों में बाजरा, ऊपर देखिए आदेश में लिखा है जिनमें, जो आवंटित चयनित जनपदों में बाजरा, तो जो जनपद चयनित है बाजरा के लिए वो है 16। आप समझ लीजिए खास तौर, और जो 16 के बाद जो बचे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे बांटते थे, लेकिन जो 16 जनपद हैं इनमें प्रोसेस पूरा अलग है। कैसे अलग है? लेकिन हर चीज अलग नहीं है। ऐसा सोचे कि 16 के बाद जो जनपद बन रह गए हैं वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी नियम सख्त हो गए हैं। तो वो क्या है, पहले 16 जनपद कौन से आप समझ लीजिए, मैं आपको नाम बता देता हूं। 16 जनपद हैं अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, बदायूं तथा संभल। ये जो हैं, ये 16 जो जनपद हैं, ये बाजरा यहाँ पैदा भी होता है और यहाँ यहीं पे ज्यादातर बाजरा इनको बांटना भी है। सरकार ने जो 25 रुपए किलो, आपको पता है सरकार ने बाजरे की खरीद करी है सरकारी, तो अब वो उनको बांटने का जो नंबर है, तो वो इस तरीके से उनको निशुल्क। हाँ, ये चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बाजरा बटेगा, आपको पता हो गया होगा कि जो जनवरी से अब 2028 तक जो भी वितरण होगा वो टोटल फ्री होना है। ये मोदी जी का निर्णय हो गया कि 5 वर्ष तक अब ये टोटल जो जो हमारा जो वितरण है ये निःशुल्क होगा, इसमें कोई पैसा नहीं लेना है। ये इन चीजों का जो आपको 5 किलो मिलता है, इसमें चीनी वगैरह का पड़ता है उससे मतलब नहीं है, जो खाद्यान्न करते हैं ये, उनका आपको कोई पैसा नहीं पड़ना है। और इसका बाकायदा आपको मशीन से रसीद भी निकाल के देनी है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है जो बाजरा आवंटित कैसे होगा, अब यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि जो बाजरा है वो आवंटित कैसे होगा। अब देखिए ये दिया है कि जो अंत्योदय कार्ड, नीचे यहां पर देखिए अंत्योदय कार्ड में 14 किलो गेहूं, पहले क्या मिलता था अंत्योदय कार्ड में, जब बाजरा नहीं, अभी आप जो जहां पे बाजरा नहीं कर रहे थे तब आप 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दे रहे थे, क्लियर है। और अब क्या है, जो अंत्योदय की मैं बात कर रहा हूं, अंत्योदय कार्ड की, अब आपको क्या करना है कि
कि 20 किलोग्राम गेहूं, सॉरी सॉरी गलती होगी, 14 किलोग्राम गेहूं, 20 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम बाजरा, यानी अंत्योदय कार्ड के लिए मात्र 1 किलोग्राम बाजरा है। आप सही समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, तीसरी बार समझ लीजिए, अंत्योदय कार्ड को जो 35 किलो देना है उसमें 14 किलो गेहूं, 20 किलो चावल और 1 किलो बाजरा, इस तरीके से देना है। दूसरी चीज है, अब पात्र गृहस्थी की बात मैं आपको बताऊं, तो पात्र गृहस्थी का जो यूनिट है, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दे रहे थे, यानी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो बाजरा जो इंटरचेंज हो रहा है ये चावल से हो रहा है, सीधी सीधी बात है। अब आप अगर पात्र गृहस्थी पे जाएंगे तो उसमें क्या है कि जो 5 किलो आप राशन देते हो एक यूनिट पे, उसमें 2 किलो गेहूं पूर्व की भांति अब चावल में हो जाएगा, चावल 2 किलो, 3 किलो की जगह पर आप चावल 2 किलो देंगे और जो 1 किलो बचेगा उसमें आप बाजरा दोगे। क्लियर हो गया? यानी 5 किलो जो आप देते हो प्रति यूनिट, तो उसमें 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो बाजरा, यानी पात्र गृहस्थी कार्ड को बाजरा ज्यादा आवंटन होगा क्योंकि 4 यूनिट है तो उनको 4 किलो बाजरा होगा और अंत्योदय कार्ड पर 1 किलो ही बाजरा आपको देना है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा विवाद भी होगा, लोग आनाकानी करेंगे, तो सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने कि अंत्योदय कार्ड पर 14 किलो गेहूं, 20 किलो चावल और 1 किलो बाजरा, और पात्र गृहस्थी कार्ड के कार्ड पर जो 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो बाजरा, सीधा सीधा इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम चलेंगे कि इसमें आगे क्या दिया गया है। 10 तारीख से 25 तारीख तक जो वितरण है वो चलेगा ही चलेगा, 9 तारीख तक पूरा उठान होना है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत आवश्यक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सरकार ने इस बार थोड़ा सा सख्ती ज्यादा कर दी है। 16 जनपदों की मैंने आपको बता दी पात्र गृहस्थी, ठीक है, इसमें पोर्टेबिलिटी सिस्टम, जो पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा रहेगी, विक्रेता उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी जो उपलब्ध है उसमें ही आपको अलग से नहीं कुछ भी करना है कि आप एक्स्ट्रा करो बाद में मिल जाएगा, वो सब उसके चक्कर में मत रहिएगा आप। इसके बाद यह है कि उपरोक्त योजना अंतर गेहूं चावल चयनित जनपदों में निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 होगी, जिस पर जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जो ओटीपी से करते हो प्रॉक्सी, ओटीपी से होने लगी है, वो 25 तारीख को ही मान्य होगी, सिर्फ एक दिन 25 तारीख जो अंतिम दिन है, ये तो नॉर्मली ऐसा ही रहता है वैसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ई पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं चावल तथा चयनित जनपदों में बाजरा मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से किया जाएगा, वो भी होता है, पर्ची पर जीरो ही लिखा है तो मशीन पर भी जीरो ही लिख के आता है। उपरोक्त वितरण पर ऑफलाइन डाटा, वो तो चलिए आपके मतलब का नहीं है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा कि इसमें दिया है तीसरे नंबर पर कि जिला पूर्ति अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उक्त वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की नियमित समीक्षा करेंगे, और जो उन्होंने आदेश दिया है उसमें लिखा हुआ है कि प्राविधानिक व्यवस्था के क्रम में संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, अपर जिलाधिकारी में से प्रत्येक द्वारा जनपद में अवस्थित दुकानों की संख्या 20%, जिलाधिकारी तहसीलदार में से प्रत्येक द्वारा 15%, मतलब जो SDM है और जो आपके जो तहसीलदार है वो प्रत्येक 15%, जिला पूर्ति अधिकारी नायब तहसीलदार में से प्रत्येक द्वारा 10% तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षक में से प्रत्येक द्वारा 5% उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। ये बहुत मुख्य बात है, इसमें भी दिया है सीधा कि निरीक्षण इस प्रकार किए जाएंगे कि ओवरलैपिंग न हो। अब आप समझ गए होंगे, अब कितना होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन जो आदेश स्पष्ट दिया है कि SDM महोदय 20% दुकानों का निरीक्षण करेंगे और आपके जो जिला पूर्ति अधिकारी 10%, आपके जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो 5% दुकानों का निरीक्षण करेंगे, यानी ये जो कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हीला हवाली तो नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष के लिए जो वितरण का जो फ्री सिस्टम है ये बढ़ा दिया है। तो ये बहुत मुख्य चीज है और बहुत मुख्य पॉइंट है। आप इसके बाद में लगभग वही चीजें हैं जो नॉर्मली सब रहती हैं और कोई स्पष्ट नहीं है। तो मूल चीज है जो बाजरा, मैं इसको भी हटा देता हूं अपने से, जो मेन चीज है वो बाजरा कितना है वो मैंने बता दिया, अंत्योदय पर कितना है, पात्र गृहस्थी पर कितना है और किस तरीके से इसकी जो निरीक्षण किया जाएगा, ये तीन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगला वीडियो हम फिर एक नई चीज लेकर आएंगे, आपके आंदोलन संबंधित कुछ ना कुछ जरूर हम लेकर आएंगे, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।